गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम EVS में पाठ 9 चौंच और पंजे का पेज नंबर 70 और 71 करेंगे। पेज नंबर 70 पर दिया गया है जैसा काम वैसे पंजे। यहाँ पर कुछ पंजों के चित्र दिए गए हैं और वे पंजे किस काम आते हैं यह भी बताया गया है। जो पहले चित्र में पंजा दिखाया गया है, ये पंजा शिकार पकड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है और दूसरे चित्र वाला पंजा पेड़ पर चढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और तीसरी तरह का जो चित्र है, इस प्रकार के पंजों से पेड़ पर आसानी से बैठा जा सकता है। और अगले चित्र में जो पंजे दिखाए दिए गए हैं, इन पंजों से ज़मीन पर चलने के लिए आसानी रहती है। और जो लास्ट वाले चित्र में है, इसमें जो पंजे दिखाए गए हैं, ये पंजे तैरने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो अब आगे हमें एक सारणी दी गई है, ऐसा करो। ऊपर चित्र में पक्षियों के पंजे और उनके काम दिए गए हैं, इन्हें देखो और तालिका को पूरा करो। अब जो हमें ये पंजे और उनके काम दे रखे हैं, इनकी सहायता से हमें अब ये तालिका पूरी करनी है। यहाँ पर पक्षी का नाम और उसके पंजों द्वारा किया जाने वाला काम लिखना है। ये देखिए, इस प्रकार हम अपनी तालिका के उत्तर लिख सकते हैं। पक्षी का नाम बाज, और बाज अपने पंजों का उपयोग किस लिए करता है? शिकार पकड़ने के लिए। फिर है बत्तख, बत्तख अपने पंजों का प्रयोग तैरने के लिए करता है। तोता, तोता अपने पंजों का प्रयोग पेड़ पर बैठने के लिए करता है। और नीलकंठ अपने पंजों द्वारा पेड़ पर चढ़ने के लिए उपयोग करता है। उसके बाद पेज नंबर 71 पर अपने हाथों की उंगलियों को अलग अलग पंजों की तरह मोड़कर देखो, तुम कितने पंजे बना पाते हो। यहाँ पर आपको बोला गया है अपने हाथों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से अलग अलग तरह के पंजे बनाकर देखने हैं। जैसे तीन उंगलियाँ आगे और एक पीछे सीधी और मोड़कर ले जाओ, और फिर दो उंगलियां आगे और दो उंगलियां पीछे करो। उसके बाद है दस्ताने पहनकर झिल्लीदार पंजे बनाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके लिए है। जो जिस प्रकार बताया गया है, उसी प्रकार अपनी उंगलियों को मोड़कर ये पंजे बनाकर आपको देखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए क्रम को देखकर बॉक्स में पक्षी का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर एक पक्षी का चित्र बनाया गया है और हमें सिखाया गया है कि किस प्रकार ये पक्षी बनता गया है। तो पहले आपको एक छोटा गोला लगाना है, फिर बड़ा गोला लगाना है, उसके बाद इसके पंख बनाने हैं और चोंच भी बनानी है। उसके बाद आपको पंखों की शेप देनी है और इसके पंजे बनाने हैं। उसके बाद इसकी आँख और ये आकृति बनानी है, और इसमें फिर जो अतिरिक्त लाइन्स हैं उनको मिटाकर आपको अच्छे से इसमें रंग भरना है। प्रश्न नंबर 3, कुछ पक्षियों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर चिपकाओ। प्रत्येक पक्षी के चोंच और पंजों का अवलोकन करो। अपने साथियों से इसकी चर्चा करो। यहाँ पर अवलोकन का मतलब है ध्यान से देखना और परखना। आपको कुछ पक्षियों के चित्र या तो अपने पुराने कॉपियों किताबों से या अखबारों से या 2 रुपये का चार्ट आता है वहाँ से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी कॉपी में चिपका कर उनके चोंच और पंजों का अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद है
हमारे राज्य पक्षी काला तीतर, देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी गई है कि हमारा राज्य पक्षी कौन सा है, काला तीतर, और राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। तो अब मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, हमारे राज्य पक्षी काला तीतर और राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में निम्नलिखित जानकारी पता करो और तालिका में भरो। और नीचे आपको ये तालिका दे रखी है, पक्षी का नाम, रंग, आवाज, क्या खाता है, कहाँ देखा, घोंसला देखा या नहीं, चोंच का आकार और पंजे। तो ये सारी जानकारी आपको अपने माता पिता या किसी अन्य की सहायता से ये तालिका पूरी करनी है। जिस प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पक्षी का नाम मोर, रंग नीला, आवाज़ पीहू पीहू, क्या खाता है, कीड़े मकोड़े, कहाँ देखा, गांव में, अपने घर की छत पर या बाग में, खेत में, जहाँ भी आपने देखा बता सकते हैं। आपने मोर का घोंसला देखा है या नहीं, उसकी चोंच का आकार कैसा होता है और उसके पंजे कैसे होते हैं। उसके बाद काला तीतर, यहाँ पर काला तीतर लिखना है, रंग काला, आवाज़ क्या खाता है, कहाँ देखा, आपने काले तीतर का घोंसला देखा है या नहीं, उसके चोंच का आकार और पंजे, ये सारी जानकारी आपको लिखनी है।